नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। कल वर्ल्ड कप क्या खत्म हुआ, लगा कि दुनिया में अब करने को कुछ है ही नहीं। तभी पता लगा आज तो सोमवार है, नया हफ्ता नई शुरुआत, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है। वर्ल्ड कप पर लौटेंगे, पर पहले दिन की सुर्खियां। कर्नाटक में सरकार संकट पखवाड़ा चल रहा है, आज 10वां दिन है। 6 जुलाई को कई कांग्रेसी विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा दिया, कुछ को स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। बसरल पड़ी हुई है। कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कुछ रिजॉर्ट पहुंचे और कुछ मुंबई। हॉर्स ट्रेडिंग, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और ऑपरेशन लोटस जैसे शब्द हवा में तैरने लगे। फिलहाल कर्नाटक विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एक फैसला हुआ है, तय हुआ है कि जो फैला है उसे समेटा जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। तो 18 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और फिर होगा फ्लोर टेस्ट। कर्नाटक में क्या चल रहा है, कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार कह रहे हैं हमारे जो विधायक मुंबई जा बसे हैं वो लौट आएंगे, और भाजपा के अध्यक्ष येदियुरप्पा कह रहे हैं हमें बहुमत मिलेगा। दूसरी सुर्खी, राहुल गांधी कांग्रेस में 2 कदम पीछे हुए और उनकी बहन जी प्रियंका वाड्रा 1 कदम आगे आ गई। उनको पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बना दिया गया है। वजह पता होगी आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, इस्तीफा दे दिया। प्रियंका आज दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मिली, खूब बातें चल रही हैं कि विदेश से आकर एक्टिव हो गई हैं, उपचुनाव की तैयारी हो रही है। हर बार की तरह रटी रटाई लाइन भी सुनने को मिली, युवाओं को मौका मिलेगा। कुछ ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2022 की तैयारी जैसी बातें भी कही। इन सब के बीच ये चर्चा भी आई कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, अब उनके इस पद पर दिन गिनती के हैं, वो खुद भी चुनाव हार गए हैं। बाकी समर्थक हैं, कह रहे हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आगे क्या होता है दिखेगा। हुआ क्या, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, देश की जनता ने कहा दूसरों को बहुत देखा, अब इसरो को जीतते देखेंगे। चंद्रयान 2 लॉन्च होना था लेकिन नहीं हो पाया। लॉन्च के 56 मिनट पहले इसरो ने कहा कि टेक्निकल गड़बड़ी है, अभी नहीं उड़ाएंगे। वैज्ञानिक बता रहे थे कि रॉकेट में पड़ने वाले ईंधन का प्रेशर कुछ गड़बड़ दिख रहा था और इसलिए लॉन्च को रोका गया। मतलब हमारे चंद्रयान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, उसको ले जाने वाली गाड़ी यानी रॉकेट में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से मामला टाल दिया गया। लॉन्चिंग कब होगी इसको लेकर अंदेशे लग रहे हैं, इसरो ने अभी तक नहीं कहा। जब वो कह देंगे ऑल गुड, तभी रॉकेट उड़ान भरेगा। शो में अब बारी है बड़ी खबर की, अब बारी है सोमवार की शाम से इतवार की शाम में दाखिल होने की। सोमवार लग गया है पर आज बात इतवार की शाम की करेंगे, वर्ल्ड कप के फाइनल की, क्रिकेट की। हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि यूं होता तो क्या होता, हम क्रिकेट कमेंटरों वाली बात भी नहीं करेंगे, कुछ और कहेंगे। लेकिन शुरुआत इतवार की सुबह से करेंगे, अब की नहीं दशकों पहले की, जब गुलजार के चलते फूल ने चड्ढी पहन ली थी और एक जीके का सवाल किताबों में जुड़ गया था। मोगली वाली किताब जंगल बुक किसने लिखी, जवाब आता था रुडयार्ड किपलिंग। इतवार की शाम लंदन की और भारत की देर रात, जब जोफ्रा आर्चर सुपर ओवर की आखिरी गेंद फेंकने दौड़े तो क्या उन्हें किपलिंग याद आए, शायद नहीं। मुझे याद आए, आज से 120 साल पहले किपलिंग की एक कविता छपी जिसका टाइटल मुहावरा बन गया, व्हाइट मैन्स बर्डन। कविता का पहला स्टंजा कुछ ऐसा है कि टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन, सेंड फॉर द बेस्ट यू ब्रीड, गो बाइंड योर सन्स टू एग्जाइल, टू सर्व योर कैप्टिव्स नीड, टू वेट इन हैवी हार्नेस ऑन फ्लैटर्ड फोक एंड वाइल, योर न्यू कॉट सलन पीपल हाफ डेविल एंड हाफ चाइल्ड। आधे शैतान आधे शिशु, बाकी दुनिया के ये लोग जिन्हें गोरी चमड़ी वाले उबारना अपना कर्तव्य समझते थे, पर इन्होंने किया क्या, गुलाम बनाया, जानवरों से बदतर व्यवहार किया। और आज मैं भारत की गुलामी का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि एक टापू अटलांटा के महासागर में हमारा इंतजार कर रहा है, बारबाडोस। 17वीं सदी से अंग्रेजों के कब्जे में, अफ्रीकी गुलामों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनाया था अंग्रेजों ने यहां पर, उसी खानदान का एक लड़का जोफ्रा आर्चर, जिसके लिए नियमों के पाबंद अंग्रेजों ने नियम बदले। इंग्लैंड में कम से कम 7 बरस रहो तब क्रिकेट टीम का हिस्सा बनो, इस नियम को बदल 4 साल का किया जोफ्रा आर्चर, जो जब आखिरी गेंद पर एक से ज्यादा रन ना बनने देने के लिए दौड़ रहा था तो साथ में एक और गणित दौड़ रही थी। 1975 से शुरू हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप इंतजार, 44 साल 11 विश्व कप रीते बीत गए क्रिकेट के जन्मदाता कंट्री के लिए, 3 फाइनल रुआंसे खत्म हुए, जोफ्रा आर्चर
धनुर्धर परिवार से अपना सरनेम पाने वाला खिलाड़ी निशाने पर रहा। यॉर्कर क्रिकेट का सबसे अचूक निशाना और इंग्लैंड जीत गया। अब कोई किपलिंग ब्लैकमैन्स बर्डन भी लिखेगा क्या? ना लिखे, बैलेंसवाद ने ही सब बिगाड़ा है। दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। आपने कभी जानवरों को रोते देखा है? विद्वानों में वैज्ञानिकों में मतभेद है कि क्या जानवरों की आंख से जो निकलता है वो आंसू ही है, क्या वो रोते हैं? पर इंसान रोते हैं, ठीक रोते हैं, दुख में रोते हैं। प्रायः इतवार शाम को रोए मार्टिन गप्टिल। मुझे लगा कि ये गप्टिल का नहीं जैसे गौतम बुद्ध का शोक हो। राजकुमार सिद्धार्थ घूमने गए तो तीन दृश्य देखे, एक रोगी, एक वृद्ध और एक लाश। फिर सब बदल गया, सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। गप्टिल ने भी तीन दृश्य देखे। पहला, 10 जुलाई 2019 इंग्लैंड का चिमनियों वाला शहर मैनचेस्टर। यहां महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा संग मिल सेमीफाइनल का कांटा लगभग बदल दिया था। फिर गप्टिल ने थ्रो किया स्क्वायर लेग की बाउंड्री से कीपर एंड पर, और एक कीपर उस एंड की तरफ बेतहाशा भाग रहा था जिसकी रनिंग बिटवीन द विकेट के दुनिया भर की क्रिकेट अकेडमीज में उदाहरण दिए जाते थे, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन गप्टिल की गेंद ने गिल्ली बिखेर दी। धोनी लौट चले आखिरी पारी सी उदासी लिए, गप्टिल देख रहे थे। दूसरा प्रसंग, 14 जुलाई 2019 साम्राज्य का शहर लंदन। कीवी गेंदबाजों की चुस्ती ने 241 के अपेक्षाकृत कम स्कोर को भी विजेता स्कोर में लगभग बदल दिया था। एक आखिरी बाधा बची थी, बेन स्टोक्स, शराबी का टैग लिए क्रिकेटर जिसके नाम पर कल रात लाखों ने शराब पी होगी। 3 गेंद 9 रन, वर्ल्ड कप फाइनल, ट्रेंट बोल्ट ने गेंद फेंकी, स्टोक्स का स्ट्रोक, फिर गप्टिल ने थ्रो किया डीप मिड विकेट से कीपर एंड पर, फिर गेंद लकड़ी से टकराई। लेकिन ये स्टंप्स नहीं थे, बल्ला था स्टोक्स का, जो डाइव लगाकर क्रीज के अंदर जमीन पर तैरते से आ रहे थे। गेंद बल्ले से लगी और कीपर के पीछे की बाउंड्री के पार चली गई। गप्टिल देख रहे थे। तीसरा, 14 जुलाई 2019 लगभग आधे घंटे बाद का दृश्य, सुपर ओवर। इंग्लैंड ने पहले तो 241 रन बना मैच टाई किया, फिर सुपर ओवर में पहले खेलते हुए 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए 16 रन, 5 गेंद में बन गए 14 रन। ये रन अकेले नीशम ने ठोक दिए, कुछ मदद वाइट की भी। अब आखिरी गेंद, स्ट्राइक गप्टिल के पास, वही गप्टिल जो 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के सबसे सफल बैट्समैन थे 547 रन के साथ, वही गप्टिल जो इस वर्ल्ड कप में ज्यादा नहीं चले थे, वही गप्टिल जिन पर फिर भी कप्तान केन विलियमसन ने भरोसा दिखाया। जोफ्रा की यॉर्कर को गप्टिल ने उसी स्क्वायर लेग की तरफ धकेला जहां पहले प्रसंग में वो फील्डिंग कर रहे थे। तब धोनी दौड़ रहे थे, अब गप्टिल वर्ल्ड कप के लिए। पहला रन पूरा हुआ, फिर दूसरा रन, लेकिन कांटा बदल चुका था। गप्टिल को क्रीज नजर आ रही थी, लेकिन उससे पहले बटलर को अपने दस्तानों में गेंद नजर आ चुकी थी। जेसन रॉय की थ्रो की हुई गेंद फिर डंडे से टकराई, सन्नाटा, फिर पूरे स्टेडियम का शोर। गप्टिल देख रहे थे, रो भी रहे थे। गौतम बुद्ध ने ठीक कहा था, जीवन में दुख है। दुख तो था, 13 साल की उम्र का कोई बच्चा उसका लिफ्ट में पांव फंस जाए और पांव की 3 उंगलियां काट दी जाए। गप्टिल तब भी देख रहे थे, आंसू तब भी थे। वही लंदन, वही लॉर्ड्स, वही वर्ल्ड कप फाइनल 5वीं दफा। शुरुआत के 3, 75, 79 और 83 के, फिर 1999 और अब 2019। लॉर्ड्स की छोड़िए, इंग्लिश टीम की बात करें तो वही फाइनल जिसे वो 3 दफा पहले भी गंवा चुके थे, वही लंदन, लेकिन 19वीं सदी का, जहां अखबारों में इश्तेहार निकलते तो मोटे काले अक्षरों में लिखा होता नो आयरिश नीड अप्लाई, यानी आयरिश लोग इस नौकरी के लिए अप्लाई ना करें। इंग्लिश मानते थे कि उनके पड़ोसी शराबी और झगड़ालू होते हैं, आयरलैंड के लोग। जोक चलते थे कि आयरिश और बंदर एक जैसे दिखते हैं। वही लंदन जहां एक नौजवान दिखा जो आयरिश था, आयरलैंड की हरी जर्सी पहनकर जिसने अपना पहला वनडे खेला था आज की तारीख से 13 बरस पहले, फिर वर्ल्ड कप में भी खेला 2007 के उसी हरी जर्सी में, फिर उसी बरस उसकी जर्सी का रंग बदलकर नीला हो गया बेहतर मौके की तलाश में। अब वो इंग्लैंड की टीम का मेंबर था।
इसी लॉर्ड्स के मैदान पर उसका डेब्यू हुआ था बतौर 12वें खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट में। वही लंदन, वही नौजवान जो आयरिश है, जो इंग्लिश टीम में है और उसका कप्तान है, नाम इयान मॉर्गन, जिसने वो ट्रॉफी उठाई जिसकी हसरत 44 बरस से श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त इंग्लिश पाल रहे थे। चौथा प्रसंग, एक कविता सुन लीजिए, अज्ञेय की है, भीतर जागा दाता। इसमें एक पंक्ति है, मेरे भीतर जागा दाता बोला, लो यह सागर भी मैंने तुम्हें दिया। एक सुर्खी पर नजर डालिए, दैनिक भास्कर अखबार में छपी, 2015 में हार के बाद इंग्लैंड ने पिच को 20 हिस्सों में बांटकर नई रणनीति बनाई। खबर में बताया गया कि कैसे इंग्लैंड 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में हार के बाहर हो गया था, उसके बाद उसने अपनी रणनीति बदल ली, 2019 में कैसे चैंपियन बना। 22 गज को 20 हिस्सों में बांटने वाली इस बदली रणनीति में सबसे बड़ा योगदान था डेटा का और डेटा एनालिस्ट का। डेटा क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है? वो बंदा जो अगर आपकी टीम का हिस्सा है और मैदान से बाहर रहकर सिर्फ गुणा भाग करके किसी मैच का रिजल्ट आपकी तरफ मोड़ने की कुव्वत रखे, उसे मैदान में खेलने की जरूरत नहीं, क्रिकेट देखने की भी जरूरत नहीं, बस उसकी किताबों में क्रिकेट के नियम और उसके कंप्यूटर में क्रिकेट का पर्याप्त डेटा होना जरूरी है। हमारे गुरुजी कहते थे, मच्छर के सामने तलवार चलाने वाले योद्धा से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। यही विजडम है क्रिकेट में डेटा एनालिस्ट को लाने के पीछे। किसकी क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, सबका हिसाब डेटा के जरिए रखता है एनालिस्ट। और इंग्लिश टीम के लिए एनालिस्ट थे नॉर्थन लीमैन। उन्होंने राय दी, जेम्स एंडरसन की जगह रेयन साइडबॉटम को टीम मिलो, क्योंकि T20 में राइट हैंड पेसर से ज्यादा सफलता लेफ्ट हैंड पेसर को मिल रही है। इसके बाद साइडबॉटम ने टूर्नामेंट में 16 की औसत से 10 विकेट ले लिए। ये T20 वर्ल्ड कप के बाद की बात है, उस वर्ल्ड कप में भी लीमैन का जादू चला था। लीमैन जिन्होंने कहा पिच को टुकड़ों में देखो, लीमैन जिनके पास कला थी डेटा की। जाते जाते किताब का जिक्र सुने, युवाल नोआ हरारी की किताब, इन्हें 21वीं सदी का सबसे अक्लमंद इंसान कहा जाता है, कई कमाल किताबें लिखी। इस किताब का नाम है 21 लेसंस फॉर 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी के लिए 21 पाठ। इसमें युवाल लिखते हैं कि वो दौर बीत गया जब ईश्वर को सर्वज्ञ माना जाता था, अब डेटा को सर्वज्ञ माना जाएगा या डेटा ही ईश्वर होगा, वो डेटा जो दाता होगा। तो क्या हम समूह में गाएंगे, इतनी शक्ति हमें देना डाटा। आप कहेंगे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, दुनिया जहान की बता दी, अपने इंडिया का अभी तक जिक्र नहीं किया, आएगा। पर दो विद्वानों को सुन लीजिए उससे पहले। पहला विद्वान कहता है, मुकाबले के दौरान टीम के सदस्यों को अपना अपना एम्बिशन पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, सबसे बढ़िया नतीजा ऐसे ही हासिल होता है। ये विद्वान है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ गलत थे, ये दूसरा बयान है किसका, एडम स्मिथ गलत थे। सबसे बढ़िया नतीजा तब आता है जब टीम का हर सदस्य अपने साथ साथ टीम के लिए बेस्ट चुने, ये बात कही थी जॉन नैश ने। आपने इन पर बनी एक फिल्म के बारे में खूब सुना होगा, देखी भी होगी, अ ब्यूटीफुल माइंड, 2001 में आई थी, गणितज्ञ थे ये। अब टीम इंडिया को एंटर करते हैं, गोल्डन बैट मिला रोहित शर्मा को, 648 रन, एक वर्ल्ड कप में 5 शतक का रिकॉर्ड, वो भी तब जब न्यूजीलैंड से मैच बारिश में धुला लीग स्टेज का, और फाइनल हम खेल नहीं पाए, यानी नंबर वन नहीं बन पाए। अब एक नंबर वन को याद करिए, बॉलिंग का, वनडे का, जसप्रीत बुमराह, डेथ ओवर में क्या बॉलिंग की, रोहित की तरह भारतीय स्टार, इतने स्टारों वाली टीम, टीम नहीं, दरअसल टीम होती तो खेल हो जाता, क्योंकि कुछ की महत्वाकांक्षाएं, कुछ के फैसले। आप कहेंगे अब क्यों कोस रहे हो, मैं कहूंगा बात भारत की क्रिकेट टीम की नहीं है, वर्ल्ड कप की नहीं है, एक देश के तौर पर हमारी प्रवृत्ति की है, जहां पे इंडिविजुअल एक्सीलेंस आपको खूब दिखेगा, खूब सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जाएंगे और दुनिया को राह दिखाएंगे, पर समूह के तौर पर, देश के तौर पर, टीम के तौर पर हमारे लिए कई सबक हैं, उपलब्धियां बहुत कम। आप देखिए 40 का दशक, हमारे साथ साउथ कोरिया और जापान आजाद हुए, उन्होंने इसी अनुशासन के दम पर, सामूहिकता के दम पर अपने मुल्कों को कहां पहुंचा दिया, और हम कहां पर हैं? आखिरी में क्या बचता है, सब बीत जाता है, वर्ल्ड कप भी बीत गया, बचता है गीता का ज्ञान, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीता में कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं,
सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सब में समान भाव। और इसके लिए एक शब्द है, स्थिर प्रज्ञ। कृष्ण ने जो कहा था उसका एक भाव बीते त्वार मुझे एक इंसान में नजर आया। गाल पर हाथ टिकाए, होठों पर ऐसी शांति कि मुस्कुरा के तस्वीर देख लो तो ध्यान हो जाए। केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कप्तान, विकट से विकट स्थिति, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। किसी खिलाड़ी का चेहरा पिछली दफा इतनी विपरीत परिस्थितियों में ऐसा शांत रहा हो याद नहीं पड़ता। और सभ्यता ऐसी कि हार के बाद भी बौखलाहट नहीं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, किसी से नहीं कहा कि एम्पायर का ये फैसला गलत था या ICC ने ऐसा क्यों किया। और शायद इसीलिए ICC ने भी मैच के बाद ट्वीट किया जिसमें केन की तस्वीर थी और लिखा था, हार में भी इतनी गरिमा, इतनी शांति। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अगर जीते हैं तो गुरूर को दूर रखिए, हारे हैं तो निराशा को। शुभ रात्रि।